जो लोग रोज मानव सेवा के लिए जुटे रहते हैं, आज वे अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 10 का है, जहां पर लोग अपनी समिति को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। पिछले कई सालों से ये लोग इसी जगह पर मानव सेवा समिति चला रहे हैं, जिस पर अब नगर निगम की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। नगर निगम ने इसे ग्रीन बेल्ट की जमीन करार देते हुए खाली करने के निर्देश दिए हैं, जबकि इन लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर पिछले 20 सालों से बैठे हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। मैं 2004 से रिटायर हुआ हूँ, जब से यहाँ पाठ पढ़ने आता हूँ, और ये गरीबों की लड़कियों की शादी भी करवाते हैं और दवाई भी दिलवाते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी से, मेरा अनुरोध है कि इसको तोड़े ना, इसको बनाए रखें, और तोड़ना भी है तो हमें जगह अलाटमेंट कर दें, हमें कोई आपत्ति। अब तक हम 80-90 साझा करा चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट में बना हुआ। हाँ, ग्रीन बेल्ट में ना, लेकिन ग्रीन बेल्ट में हमने पेड़ बिल्कुल ऐसे ही रख रखे हैं और हर साल पेड़ लगाते हैं, और इसको कोई छेड़ने नहीं, और उसमें हम सेवा के काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रीन बेल्ट तो बनी हुई है। हमने तो छोटा सा एक कमरा बना रखा है दवाइयों के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए, अखबार बनने के लिए, और सब लाभान्वित हैं, इसलिए इनका जो चार्ज लगा रखा है ग्रीन बेल्ट तो मेंटेन है। क्या आप लोगों ने कोई दूसरी जगह मांगी है इसके लिए? हमने दो बारी मांगी है, 21-21 लाख रुपए जमा करें, हर बारी कैंसिल होकर जाता। आज भी हम तैयार हैं, पूरे पैसे देने को तैयार हैं, कोई भी सरकार हमें जमीन दे और पैसे देने को तैयार है। मानव सेवा समिति के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा से लेकर आयुर्वेदिक उपचार की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी और बुजुर्गों के लिए बैठने का स्थान बनाया गया है। इन लोगों की नगर निगम से नाराजगी है कि इसे ग्रीन बेल्ट का नाम बताकर हटाया जा रहा है। वहाँ हरियाली को भी बरकरार रखा गया है, और इसके अलावा भी फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे हुए हैं, उन पर भी कभी नगर निगम की निगाहें क्यों नहीं जाती हैं। इन लोगों का कहना है कि सेवा समिति के लिए अगर आजकल हमारे जितने भी यहाँ पर विधायक जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पिपल जी हो या केशवपाल जी हो, उनका मार्गदर्शन हमें समय मिलता रहता है। दो बार हम माननीय केशवपाल जी से मिलिए, दो बार विपुल जी से मिलिए, मूलचंद जी से मिलिए, मैंने जी, इसमें मानव सेवा समिति बदनामी नहीं है। ये आपने पत्थर लगाया है, इस पर आपका नाम लिखा हुआ है, ये टूट गया तो आपका पत्थर टूट गया कि नहीं? नहीं, ऐसा होगा नहीं, हमारे होते हुए यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, आप आराम से काम चलाओ। वो क्या राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है? देखो जी, मैं इस बात को नहीं कह सकता राजनीतिक द्वेष हो रहा क्या है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे साथ ये बहुत अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हमने सारी बात, सारी महिला शक्ति ने बाजार के बासुदेव जी के साथ लेकर के सारी मार्केट ने बता दिया है कि मानव सेवा समिति एक ऐसा संस्थान है जो वास्तव में सेवा कार्य कर रहा है। अब पता नहीं इसमें किसकी साजिश है, हम तो साजिशकर्ताओं से भी कहते हैं कि वो डरे, थोड़ा सा ऊपर वाले से डरे, समाज के लोगों को देखे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो एक मिनट लगाए इसको तोड़ने के लिए। मैं महिला सेल की चेयरमैन हूँ मानव सेवा समिति। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, जो गरीब लोग हैं उनको इतनी यहाँ हेल्प मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, गरीब कन्याओं की शादियाँ होती हैं, इतने हमने पेड़ लगा रखे हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हो तो मैडम हमें आके जरूर कहें कि भाई हटाना है आपका, आप मैडम आइए प्लीज हमारा देखिए कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सेवा समिति के लिए अगर उनको नगर निगम या हुड्डा कोई दूसरी जगह देता है तो ये उसके लिए भी तैयार है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।